आज मैं अपने फोन में एक वीडियो को देखता और उस वीडियो के टाइटल में था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर गिरधर सिंह रांदा। जैसे वीडियो को प्ले करता हूं उसके बाद में कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि इस इंसान ने इतने कुछ चीजें अपने जिंदगी में की कि मुझे एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाना चाहिए। एक वीडियो जो आपको यह बता सके कि जिंदगी में कंसिस्टेंट रहना कितना ज्यादा जरूरी है। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी में सिर्फ एक लक्ष्य को आगे लेकर के आप चलते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर अपने जिंदगी में करने की ताकत रखते हैं। एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही अपने एक सपने को अपने साथ में रखता है, जो सपना रहता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का। उस गवर्नमेंट ऑफिसर को बनने के लिए इस इंसान ने कई सारी चीजें अपनी जिंदगी में छीनी। पहली चीज पॉवर्टी। इतनी गरीबी थी कि घर में रोटी खाने को पैसा नहीं था। कई बार तो ऐसे कंडीशन आते थे कि रोटी तो मिल जाती थी लेकिन उसके साथ में सब्जी नहीं बन पाती थी। मिर्ची, लाल मिर्च के घोल को मिलाकर के उसमें रोटी को बोर बोर के खाया जाता था। इस बुरे परिस्थिति को देखते हुए कई लोगों ने घर में सुसाइड कर लिया। किसी को नजर नहीं आ रहा था कि इस घर में कोई फ्यूचर हो भी सकता है, लेकिन इनके दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। इसे बदलने की मैं ताकत रखता हूं तो मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगाऊंगा इस चीज के लिए। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा कि कई बार परिस्थिति आपकी परीक्षाएं ले लेती है। इनके जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। वो पहली परीक्षा देते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है उसमें देखते हैं उनका नाम नहीं है। दूसरे एग्जाम को देने चले जाते हैं, जैसे ही दूसरा एग्जाम देते हैं उसमें भी वो पास नहीं हो पाते। तीसरा एग्जाम देते उसमें भी रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनके परिवार वाले बोलते हैं, इससे बढ़िया बेटा कहीं बाहर तुमने नौकरी कर ली होती तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम जरूर हो जाता घर पे। इसी बीच उनके मन में ख्याल आता है कि थोड़ा बहुत कार्य करते हैं और उसी के साथ में पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। पढ़ाई छोड़ना नहीं है, एक सपना मन में सोच रखा था उसे पूरा किसी भी हालत में करके ही रहना है। बस वही वो लक्ष्य उनके दिमाग में चलता रहा और उसी के साथ में आगे बढ़ते रहे और ऐसे करते हुए 21 एग्जाम में फेल हो चुके। आप सोच करके देखिए, आप एक एग्जाम देते हैं, दो एग्जाम देते हैं, उसके बाद में आप छोड़ देते हैं उसे। ये इंसान 21 बार फेल हो चुका था। आप 22वीं बार आ जाता है मौका और उसके बाद में जाकर के बैठ जाते हैं एग्जाम को देने के लिए। हर बार जो उन्होंने गलतियां की उसे समझते थे और उसे वापस रिप्लेस करके कुछ नई चीजें उसके साथ में अटॉम करते थे। और ऐसे ही अपनी तैयारियों को रखते हुए 22वें पेपर को जब देने जाते हैं तो कुछ महीने बाद रिजल्ट देख करके उनका पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। इन्होंने उस एग्जाम को निकाल लिया। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने की उस जर्नी में उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में झेली और आजू बाजू के गांव उसके बाद में जो इंसान को बोला करते थे कि इससे बढ़िया कोई ना कोई बाहर में काम कर लेते तो दो वक्त की रोटी आ जाती, आज हर एक घर में उन्हीं का मिसाल लिया जाता है। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ में जिन लोगों के जिंदगी में शायद इस वीडियो को देखने के बाद में बदलाव आ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडेक्स।